subscribe to Anika's Beautiful Himachal and press the bell icon to get all the latest notification. हाय दोस्तों, मेरा नाम है अनिका और आज हम बात करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग कितना जरूरी पे। जी हाँ, जिंदगी कितनी खूबसूरत और अजीब होती है ना दोस्तों, कहाँ से कहाँ ले आती है। आजकल के दिनों में कुछ शब्द हमारी जिंदगी में कितने आम और इम्पोर्टेंट हो गए हैं, जैसे कोरोना वायरस, कोविड, क्वारंटीन, लॉकडाउन, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग। ये शब्द पूरे दिन में हमारी जुबान पर एक बार तो आ ही जाते हैं, मानो बड़ी आम सी बात हो गई हो, और हो भी गई है। इन शब्दों से अब डर भी लगता है और जैसे आदत सी पड़ गई है। लेकिन हमारी जिंदगी दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, कहां से कहां ले आती है। इस कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद, इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद हमारी जिंदगी कितनी अलग होगी ना दोस्तों, कितनी अजीब होगी। वही शब्द जो हमारे लिए बहुत आम हो गए हैं, उनमें से ये सोशल डिस्टेंसिंग, जी हाँ, यानी भीड़ में ना जाना, लोगों से कुछ कदम दूरी रखना, सेफ रहना, कितना इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ये चीजें हमारे लिए, और मुश्किल भी होंगी। क्योंकि पहले तो भरे भरे रोड्स, भरी भरी बसेस और बस स्टैंड्स सब ओवरक्राउडेड रहता था, पर अब ऐसा लगता है जैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग शब्द कितना जरूरी हो गया है हमारी जिंदगी में, हमारे लिए। अब वो क्राउड दोबारा हमें पता नहीं कब देखने को मिलेगा। जिंदगी पहले क्या थी, क्या है और अब आगे क्या होगी, ये तो शायद किसी को भी नहीं पता। इस कोरोना वायरस से पहले हमारी ये धरती कितनी पॉल्यूटेड थी, और अब जैसे ही ये लॉकडाउन लगा और हम सब अपने घरों में एकदम से मानो जैसे कैद हो गए, और ये धरती, ये कुदरत को जैसे आजादी मिल गई। जो सरकार क्लाइमेट चेंज के लिए लाखों और करोड़ों रुपए लगाकर नहीं कर पाई, वो इस एक महीने के लॉकडाउन ने कर दिखाया। इस कोरोना वायरस ने हमारा रहन सहन ही मानो बदल सा दिया हो। लोग अब घरों में टीवी में इंडियाज गॉट टैलेंट नहीं देख रहे हैं, बल्कि क्वारंटीन्स गॉट टैलेंट में पार्ट ले रहे हैं। अपने अंदर के टैलेंट को इस लॉकडाउन में पहचान रहे हैं। कोई खाना बना रहा है तो कोई पेंटिंग कर रहा है। डांसिंग, सिंगिंग, स्केचिंग, राइटिंग इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे उसका हिस्सा बन चुका है। कुछ लोगों की तो हर तरह की नशे की आदतें भी छूट गई हैं। सबसे मेन बात जो हमें निभानी है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। अब हमें लोगों से 6 मीटर तक की दूरी पे रहना होगा। पहले जैसा अब कुछ रहेगा ही नहीं। जैसे हम पहले हाथ मिलाया करते थे या गले मिला करते थे, वो सब अब नहीं हुआ करेगा। अब तो किसी को छूने से भी डर लगा करेगा कि अगर हमने इस इंसान को छू लिया या इस चीज को छू लिया तो हमें कोरोना ना हो जाए। पहले जैसा तो कुछ रहेगा ही नहीं दोस्तों। लेकिन इस बीमारी से वही बच पाएगा जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेगा, और ये सफर तो अभी बहुत बहुत लंबा है, चलने वाला है दोस्तों। और शायद आने वाले टाइम में अब तो हमें कुछ ऐसे अल्फाज सुनने को भी मिल सकते हैं कि अरे तुमने हाथ धोए, तुम्हारे पास सैनिटाइजर तो है ना, मास्क कहाँ है तुम्हारा, अरे दूर रहो मुझसे, तुम्हें छींके आ रही हैं। और बिल्कुल सही बात है, हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, तभी हम इस बीमारी से बच पाएंगे। और अब हमारी जिंदगी पहली जैसी तो रही नहीं है, क्यों ना हम इस वक्त में एक दूसरे का साथ दें। जो सरकार नियम निकाल रही है हम उसका पालन करें, ज्यादा ओवर क्राउडेड जगह में ना जाएं, लोगों से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। इसी चीज पे मैंने कुछ लोगों से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हेलो, मैं हूं शालू शर्मा और मैं एक हाउसवाइफ हूं।
और आजकल आपको पता है जो कोरोना वायरस की जो बीमारी चली हुई है, इससे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की काफी जरूरत पड़ रही है। और जैसे हम बाहर निकलते हैं, मुंह पे मास्क लगा के, हाथ को सैनिटाइज करके और 2 कदम की दूरी बना के रखने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी टाइम तक ये रहेगा। जिससे हम ये सब करेंगे तो हमें अपने इस बीमारी से दूर बचे रहेंगे। जैसा कि हम सभी लोग आजकल घरों में बंद हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, तो कोरोना के इम्पैक्ट से काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। अभी लॉकडाउन 4.0 चल रहा है और हम काफ़ी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। तो ऐसे समय में हमें समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ना केवल अभी के लिए बल्कि फ्यूचर में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सोशल डिस्टेंसिंग विच इज़ बेसिकली कि हमें दूसरे लोगों से एटलीस्ट 2-6 मीटर की दूरी बना के रखनी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सामने वाले कौन इंसान संक्रमित हो सकते हैं या उन्हें उस तरह की बीमारी हो सकती है। तो इस तरीके से हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने परिवार वालों को भी बचा सकते हैं। और जैसे कि अभी तक तो कोई इसकी दवाई वगैरह या वैक्सीनेशन निकली नहीं है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय हमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जब तक कि फ्यूचर में ये चीज़ें नहीं आती हैं, और अगर यही कंटिन्यू रहता है, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और ये भी हो सकता है कि हमें इसके साथ रहना पड़े और हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़े, तो फिर उस सिचुएशन में हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, एक नॉर्मल रूटीन की तरह फॉलो करना पड़ेगा। वी जस्ट वॉन्ट टू मेक इट डेली रूटीन, डेली पार्ट ऑफ आर लाइफ, तो वो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मगर ये है कि हमारी सेफ्टी और हमारी फैमिली की सेफ्टी की इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। तो भाई सुना आपने, लोगों ने क्या कहा, सोशल डिस्टेंसिंग अब कितना ज़रूरी हो गया है और अब आगे भी होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और इस बीमारी से बचे रहिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।